बलिया जिले के छात्र सेवा समिति के अध्यक्ष सरदुमन जायसवाल द्वारा सहाय ग्रामीणों और भूखे प्यासे राहगीरों को नाश्ता और पानी की समुचित व्यवस्था अपने वैन में भरकर रेलवे स्टेशन बस अड्डा शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर ग्रामीणों व राहगीरों को प्रदान किया। देखिए इनके साथ एक खास बातचीत हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव के साथ। मैं सरदुमन जायसवाल, छात्र सहायता समिति के अध्यक्ष, और हमारे छात्र सहायता समिति के तमाम पदाधिकारी सदस्यगण समय समय पे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे जिस तरह की आपदा हो, हमारे बीच आती है, उसमें सहयोग करने के काम करती है। आज कोरोना जैसे महामारी से हमारा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा है। उसमें एक हम लोगों का छोटा प्रयास है कि हमारे जनपद बलिया में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे। इसी मुहिम के तहत हम लोग हर जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम बस्तियों में जाके लोगों को भोजन पानी अपने से जितना बन सकता है उतनी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे साथ सहयोगी रतन प्रकाश वर्मा, राजेंद्र कुमार यादव, जीतू श्रीवास्तव और तमाम यहाँ पे भानु प्रकाश वर्मा जो छात्र नेता भी रह चुके हैं, तमाम साथी हमारे बीच में लगे हुए हैं। यही नहीं, हम लोग पोस्टर एवं बैनर हैंडबिल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के काम, जबकि लॉकडाउन नहीं हुआ था उससे पहले रेलवे स्टेशन पे तमाम जगह पे कैंप लगा के हम लोग ये काम करने का काम किया। वितरण जरूर हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी सावधानी रखते हुए सामने अपने से उसी प्रकार की दिक्कत सामने वाला तो ना, सामने वाले से हमारी दिक्कत ना हो, हम लोग मास्क का प्रयोग, ग्लव्स लगा के तमाम यही काम करते हैं। और जो भी बलिया जनपद में आता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हम लोग शहर की एक जिम्मेदारी लेकर चले हैं, जो भी हमारे साथ में लोग हैं और उसको निर्वाह कर रहे हैं, अपने स्तर से जितना बन सकता है वही कर रहे हैं। इसमें कोई शासन के द्वारा हम लोगों को किसी तरह का फंड नहीं मिला है, अपने चंद साथी के ही माध्यम से कर रहे हैं। सर एक और बताइए, मजदूरी करते हैं, इसके लिए क्या आपका कहना एकदम सही है, लेकिन हम लोग इस बलिया के लोकल हैं, चक्की मोहल्ले को जानते हैं, और कितना भी हमारे है जो फुल्की वाला है, जो फल वाला है, जो डेली दिनचर्या अपना मतलब कि कमा के ही भरण पोषण करता है, उन लोग को हम लोग विशेष फोकस रहता है, लेकिन हम लोग के पास कोई विशेष फंड नहीं है। जितना हम लोग से बन पाता है उतना ही करने के काम करते हैं। झूठ मूठ के हम कहते हैं ये कर दियो, ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। हम लोग भोजन ही व्यवस्था करा सकते हैं, पानी व्यवस्था करा सकते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हैंडबिल बांटते हैं। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए और जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।